हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हर्ट मर्मर के बारे में। तो हर्ट मर्मर दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, पहला होता है कार्डियक, एक दूसरा होता है एक्स्ट्रा कार्डियक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा कार्डियक के बारे में। एक्स्ट्रा कार्डियक पार्ट होता है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, एक होता है एट्रियल, एक होता है वीनस। ठीक है, तो जो एट्रियल होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो साउंड आता है वो बोलते हैं ब्रूइस, और जो वीनस के अंदर जो साउंड आता है उसको बोलते हैं हम। तो वीनस के अंदर जो साउंड आता है हम साउंड, वो यूजुअली यंग चिल्ड्रंस के अंदर आता है। ठीक है, और जो एट्रिया होता है उसके अंदर जो ब्रूइस साउंड आता है उसकी मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। जब एट्रीज के अंदर, मतलब सॉरी नैरो एट्रीज के अंदर से जब ब्लड फ्लो करता है हाई स्पीड के अंदर हाई वेलोसिटी के साथ, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, वो साउंड को बोलते हैं हम ब्रूइस। उसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, अपना कैरोटिड ब्रूइस, रीनाल ब्रूइस, और हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से थायरॉयड ब्रूइस। तो आप लोगों को पता चल गया एक्स्ट्रा कार्डियक दो होते हैं, एट्रियल और वीनस, और वीनस के अंदर जो आता है उसको बोलते हैं हम साउंड, और जो एट्रियल के अंदर आता है उसको बोलते हैं ब्रूइस। अब हम डिस्कस करते हैं कार्डियक के अंदर। कार्डियक के अंदर भी दो पार्ट डिवाइड होते हैं, एक तो अपने डिवाइड होते हैं हर्ट के साउंड S1, S2, S3 एंड S4। मैंने आपको शायद पहले बता दिया S3 और S4 साउंड कौन से होते हैं, ये दो स्पेशल साउंड होते हैं, और S1 और S2 साउंड क्या होते हैं वो बता दिया मैंने। S1 S2 साउंड आप लोगों को पता है कि नॉर्मल साउंड होता है, लव और डब साउंड जो अपने हर्ट के अंदर सुनाई देता है, स्टेथोस्कोप से अपन सुनते हैं, वो नॉर्मल साउंड होता है। तो जो S3 साउंड होता है वो सुनाई देता है 35 ईयर तक के लोगों के अंदर, मतलब 35 साल तक के जो लोग होते हैं उनके अंदर सुनाई देता है, और जो S4 साउंड होता है वो 40 साल के ऊपर जो लोग होते हैं उनके अंदर सुनाई देता है। इसके अंदर कंडीशन होती है जब वॉल्यूम का ओवरफ्लो हो जाता है तो S3 का साउंड होता है, और प्रेशर की वजह से S4 का होता है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया, आप पहले के वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अपना पहले अपन ने कार्डियक डिस्कस किया, वो कार्डियक एक्स्ट्रा कार्डियक, एक्स्ट्रा कार्डियक के दो पार्ट, कार्डियक के अंदर भी दो पार्ट थे, एक अपना हो गया ये अपने हर्ट के साउंड हो गए जो नॉर्मल होते हैं, दूसरा होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल के अंदर अपना आ गया S1 S2 S3 और S4, और एबनॉर्मल के अंदर भी दो पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, एक हो जाएगा सिस्टोल और एक हो जाएगा डायस्टोल। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया ये बात कि सिस्टोल होता है कॉन्ट्रेक्शन और डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन। ये सारी चीज़ आप कार्डियक साइकिल का जो वीडियो होंगे उसके अंदर समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा साउंड कब आता है। पहले तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि जब कोई वॉल्व क्लोज होता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे S1 का जब अपना पहला जो साउंड आता है वो आता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जब बंद होते हैं, जब बंद होते हैं जो दूसरा साउंड आता है अपना S2 जो साउंड आता है वो आते हैं अपना पल्मनरी और aortic वॉल्व जब अपने बंद होते हैं। ठीक है, तो ये बंद होने की वजह से अपना साउंड आता है, लेकिन जब कोई वॉल्व हेल्दी होता है तो वो किसी भी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई वॉल्व हेल्दी होता है उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, तो वो नॉर्मली ओपन होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये समझने में आसानी होगी कि जो अपना एबनॉर्मल साउंड था उसके अंदर आएगा सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल के अंदर जो साउंड आएगा वो आएगा क्लिक, और जो डायस्टोल के अंदर साउंड आएगा वो आएगा स्नैप। ये दोनों साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होते हैं जब आपका कोई वॉल्व डिजीज्ड या कोई कंडीशन के अंदर होता है, जब ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जब ये साउंड आपके प्रोड्यूस होंगे जब आपका वॉल्व खुलेगा, और जब एबनॉर्मल होगा वॉल्व कंडीशन, मतलब हेल्दी वॉल्व नहीं होगा जब ये साउंड आपके आएंगे। तो आप लोगों को ये सारे जो मर्मर मैंने आपको बताया है नॉर्मल, वो आपको समझ में आ गए होंगे, कार्डियक एक्स्ट्रा कार्डियक, और इसके अंदर एबनॉर्मल में S1 S2 S3 S4 और एबनॉर्मल के अंदर अपने सिस्टोल डायस्टोल के अंदर क्लिक और स्नैप, और नॉर्मल के अंदर S1 S2 S3, एक्स्ट्रा कार्डियक के अंदर अपना ब्रूइस, और हम जो एट्रियल और वीनस के अंदर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।